नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की। पंजाब के अगर हम बात कर लें तो पंजाब के किसानों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है उसमें नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और ये नाराजगी जो है वो लंबे वक्त से देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित फसलों के मुआवजे की मांग किसानों ने की है। आंदोलन से यात्रियों को हालांकि परेशानियां हो रही हैं। पंजाब के बारह जिलों में देखिए 18 किसान जत्थेबंदियों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। किसान बाढ़ प्रभावित फसलों का मुआवजा दिया जाए, साथ ही MSP रेट को सही करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में किसान संगठन अमृतसर, जालंधर, कैंट और तरन तारण समेत 12 जगह पर ट्रेन का चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उधर पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को गिरफ्तार कर लिया है। जलालाबाद जिले की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जलालाबाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। बता दें कि खैरा भोलात विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। पुलिस के मुताबिक खैरा के खिलाफ एक पुराना NDPS एक्ट का केस था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आमदन तो वध पैसे जिहड़े सुखपाल सिंह खैरा दे जिहड़े अकाउंट च पाए गए, और उन्होंने एक बहुत खर्चीला विआह भी किया, जो उस समय पैसे नूं लैके कई तरह दीआं इररेगुलरिटीज पाईआं गईआं, और जिहड़ा 2015 च FIR दर्ज होंदी है नशा तस्करी लैके, उस च गुरदेव सिंह, मनजीत सिंह उहदा ड्राइवर, गुरदेव सिंह एक अहम कड़ी आ जिहदा सीधा सीधा लिंक सुखपाल सिंह खैरा नाल है, और सुखपाल सिंह खैरा दा राइट हैंड सी। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने भी सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्य की आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए और कहा कि इस गिरफ्तारी से के जरिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। अपने एक बयान में राजा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस विधायक एस सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी विपक्ष को डराने की कोशिश है और आम आदमी पार्टी सरकार के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक चाल है। हम सुखपाल खैरा जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ सहयोगी राकेश छाबड़ा जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस गिरफ्तारी को लेकर, तो देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह से ठनी हुई थी पहले से ही, वो अब खुलकर सामने आ रहा है क्योंकि बयानबाजी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि आज सुबह से सुखपाल खैरा को जैसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद राजनीति में गरमा गई है, उसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। राजा बड़िंग ने भी बोला है, प्रताप सिंह बाजवा ने भी बोला, अलग अलग जो प्रक्रिया आ रही है उसमें उसको लेकर अभी जैसे आज 10:30-11 बजे के बाद उनको जलालाबाद मानियों का दावत में पेश किया गया। उनको जैसे वहां की पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन उनको 2 दिन का रिमांड दिया गया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुखपाल सिंह खैरा ने भी ये बात कही कि सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड के आधार पर मुझे तंग किया गया, जबकि
ना पुलिस के पास कोई अरेस्ट वारंट था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए था। सिर्फ एक वरुण शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान है, उनके स्पेशली अपॉइंट किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इनको ठोकने के लिए बोला गया, ऐसी जो दोष उन्होंने अपनी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे वो हमारी पार्टी का, उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। बाकी मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने भी कहा कि हमने रिमांड 7 दिन का मांगा था, लेकिन हमें 2 दिन का रिमांड मिला जी। चारू बिल्कुल ये भी समझना चाहेंगे राकेश, अगर हम किसानों की बात कर लें, जो तरह से आज प्रोटेस्ट किया गया है, इस प्रोटेस्ट का कैसा असर रहा? जी बिल्कुल, बात की जैसे पंजाब के 12 जिलों में प्रोटेस्ट किया गया, उसको लेकर शांतिपूर्वक प्रोग्राम किया गया, उसको लेकर जो उनकी मांगे थी MSP को लेकर, जो 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, और जो मजदूर है, किसान है, उनकी कर्जा माफी होनी चाहिए, बंदी सिंहों की रहाई होनी चाहिए, इन चीजों को लेकर उनकी मांगे थी। तो वो कहते हैं कि अगले 3 दिन के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट रहेगा, अगर पंजाब सरकार इन दिनों में सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद जो आगे का रुख और भी तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, ये भी समझना चाहेंगे कि अब ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, इसका असर आप कैसा देखते हैं? कि क्योंकि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट किया गया है, आम यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, रेल रोकने की बात इसमें कही गई थी, इस प्रोटेस्ट का असर क्या लगता है कि उतना हो पाएगा, उनकी मांगे जो थी किसानों की वो पूरी हो पाएंगी? जी देखो, उम्मीदें तो यही जताई जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कई बार रेलों को आंदोलन किया जा चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो दो तरह का नुकसान सामने आता है, एक तरफ तो जो सवारियां 3 दिन के लिए जो सवारियां हैं उनको परेशानी आएगी, और दूसरी तरफ जो ट्रेन का नुकसान है केंद्र सरकार को आएगा। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों का भी नुकसान है, क्योंकि वो अपना काम काज छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें प्रोटेस्ट का जो करना पड़ रहा है। लेकिन हम पिछले 1 महीने से उनको अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन पंजाब सरकार और केंद्र सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए राकेश, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर फतेहाबाद के जिला परिषद भवन में जिला परिषद की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद की चेयरपर्सन सुमन खिचड़ ने की। मीटिंग में पार्षदों ने 6 एजेंडे पर चर्चा की और सभी एजेंडे पास किए गए, जिसमें अहम मुद्दा बाढ़ के दौरान खराब हुई सड़कों का रहा। बाढ़ के दौरान कई सड़कों को तोड़ा गया था ताकि पानी की निकासी की जा सके। अब उन सड़कों के निर्माण को लेकर जिला परिषद के द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है। चेयरपर्सन का कहना है कि खराब सड़कों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। हमारे एजेंडे चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रशंसा था, ये पास हो गया हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा। जिला परिषद को हस्तांतरित सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति बारे ये सर्वसम्मति से पास कर दिया है, जिला प्रधान के पास प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। तीसरा था बुन्ना कस्बा फतेहाबाद के बाहरी क्षेत्र में विभिन्न रास्तों को पक्का करवाने हेतु प्रस्ताव पास करना था, इसमें रतिया जाखल टोहाना ये भी हमने शामिल कर लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सभी नेता अपना संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में JJP नेता अजय सिंह चौटाला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। करनाल के इंद्री में पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए अजय सिंह चौटाला ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अजय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना तो प्रदेश की जनता तय करेगी, संगठन हर पार्टी अपना मजबूत करना चाहती है। वहीं कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में रोज जूतियों में खीर बढ़ती है, 10 साल से उनका कोई संगठन नहीं बना है। जिनकी रोजाना जूतियों में खीर बढ़ती है, आज तक 10 साल में वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए, 3-3 अध्यक्ष बदल गए, 5-5 प्रभारी बदल गए, और जिलों में आप रोजाना देखते हो कि जहाँ भी उनके आयोजन होते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की, किस तरीके से आपस में लठम लठा होते हैं, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं।
हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने तहसील कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। इसके बाद देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और निर्देश दिया कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंटेंसली उनको होल्ड किया जाता है, उसके वर्ज में जाखड़ में अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूं, जाखड़ में भी अधिकारियों की शिकायत थी, टोहाना भी शिकायत थी, तो वहां जाके देखा आज कोई मीटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों में डी साहब ने ले रखी थी, तो वहां जो अधिकारी हैं तहसीलदार वगैरह वो तो सीटों पर नहीं मिले, लेकिन कुछ डाटा मैंने SDM की जिम्मेदारी लगाई, वो अब पिछले एक क्वार्टर का देने का काम करेंगे। अगर कोई रजिस्ट्री इंटेंसली रोकी गई है विदाउट रीजन तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, और अगर कहीं उसमें कोई कोताही पाई गई तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो बनती है उसको करने में सरकार पीछे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ड्रग्स फ्री हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जहां एक तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ CM मनोहर लाल ने प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार को बैन करने का आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग का कहना है कि CM मनोहर लाल ने जनता के स्वास्थ्य के हित में जो फैसला लिया है उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदया ने ये जो भी जनता के हित स्वास्थ्य हित में फैसला लिया है उसको पूरी तरह से लागू करवाया जाएगा। हमारे पास 8 एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, 3 ATOs हैं, इनकी हम टीमें बनाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पब में, बार में, रेस्टोरेंट में हुक्का वगैरह लोगों को सर्व ना किया जाए, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। उधर रेवाड़ी में डेंगू मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर जिले में डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 हो गई है। जिले के सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की लाइन लगी हुई है। डेंगू के साथ वायरल बुखार से भी लोग पीड़ित हैं। पिछले 2.5 महीने में मिले 296 केसेस में से 161 केस अकेले रेवाड़ी शहर से ही मिले हैं। हमारे साथ सहयोगी राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हैं। राकेश, डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि बरसातों का मौसम अभी बीत के गया है तो उसको देखते हुए जो रेवाड़ी जिले में सबसे ज्यादा विस्फोट डेंगू का हुआ है उसको लेकर अगर रेवाड़ी की बात करें तो 161 केस सिर्फ रेवाड़ी शहर के पाए गए हैं, और अगर पूरे जिले की बात की जाए तो 296 केस जो पूरे रेवाड़ी जिले में पाए गए हैं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी पुष्टि की गई है। और अगर आपको पिछले 9 सालों की बात की जाए तो वर्ष 2015 में 10 केस थे, 2016 में 10 केस थे, 2017 में 137 केस थे, 2018 में 82 केस थे, 2019 में 27 केस थे, 2020 में 39 केस थे, 2021 में आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था, 306 केस थे, और 2022 में 324 केस थे, सबसे ज्यादा पिछले साल में रहे हैं, और इस बार जो है सिर्फ 27 सितंबर तक 310 केस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आंकड़े तो आपने गिना दिए कि मामले किस तरह से बढ़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं ताकि मामले जो हैं वो कम हो सके। जी बिल्कुल, जैसे कि जैसे बारिशों के दिन आते हैं प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन हर बार जो डेंगू का मौसम आता है या इसका प्रहार होता है तो इसको लेकर पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन कई बार केस ज्यादा होने के कारण कंट्रोल से बाहर हो जाता है, स्टाफ की कमी होने के कारण, नौकरियों की कमी होने के कारण, इन चीजों की कमी की वजह से कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन अभी भी इस चीज के लिए काम कर रहा है, बाकी आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या तस्वीरें निकल के आती है। जी राकेश, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए इंतजाम की बात तो कही जाती है लेकिन उसके बावजूद मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं विभाग की ओर से ताकि मामले जो हैं वो कम हो सके। जी उनका यही कहना है कि डेंगू को रोकथाम के लिए जैसे कूलर का पानी जहाँ पे जमा है उसको साफ करें, अब कम से कम दूसरे तीसरे दिन पानी साफ करें, और उसके बाद किसी भी
खड़े पानी को वहां से निकाले, चाहे वो नाली का पानी है, चाहे वो छत का पानी है, बारिश का पानी है, उसको निकाले, पानी जमा करने से रोके, और इसी तरह गंदगी से दूर रहे, क्योंकि गंदगी से भी मच्छर पैदा होता है। लेकिन सरकारें हर बार दावे करती हैं कि जो है स्वास्थ्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब ये आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल और डर दोनों पैदा होते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।